भीतर कोई काम अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास करा, तो भगवान शंकर के मंदिर में 5 बेलपत्र चढ़ाइए। और शंकर भगवान की जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, आपको बताया था ना अशोक सुंदरी का स्थान, भगवान शंकर की 6 लड़कियां हैं, उसमें से सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी की जगह पर एक बेलपत्र चढ़ाइए। फिर एक बेलपत्र नंदीकेश्वर पर चढ़ाइए, और नंदीकेश्वर पर चढ़ाने के बाद भगवान शंकर के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा दीजिए साइड में, और फिर अपने घर पर आ जाइए, आपका कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाए। नंदीकेश्वर का भी एक तरीका होता है, समझ में आता है, सीधा बेलपत्र और उल्टा बेलपत्र, समझ लेना, बहुत अच्छे से समझिएगा। शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए, बहुत ध्यान से समझना हो। शिव कहते हैं बेलपत्री का मात्र स्पर्श जब बेलपत्री चढ़ाने वाला डंडी को पकड़ कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूँ कि ये कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त है। जब बेलपत्री चढ़ाने वाला मध्य भाग को पकड़ कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूँ कि इसकी ग्रह दशा के अंतर्गत घर में इसको चिंता बहुत है। जब बेलपत्री 2 पत्तियों का स्पर्श कर कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूँ संतान के रोग और बीमारी का तकलीफ है। जब बेलपत्री बीज की पत्ती को पकड़ कर वो मुझे समर्पित करता है, मैं समझ जाता हूँ इसको वैभव और धन की कमी है। जब बेलपत्री थोड़ी सी भी कीली होती है जब वो चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूँ कि इसके तन में कोई रोग समाया हुआ है, बेलपत्री में कोई टूट पीछे रह जाता है और ये समर्पित करता है, मैं समझ जाता हूँ अदालत का कोई केस चल रहा होता है। बेलपत्री का मात्र एक स्पर्श तक बता देता है कि बेलपत्री चढ़ाने वाला किस भाव से बेलपत्री चढ़ा रहा है और चढ़ाकर महादेव ने उसको कैसे स्वीकार करा, ये तक हमारा स्कंद पुराण, लिंग पुराण और शिव पुराण बता देता है कि बेलपत्री चढ़ाने का तरीका क्या है। दुनिया के लोगों, बेलपत्री का स्पर्श मात्र, कितनी भी अगर गलती हो जाए, एक बार बेलपत्री को लेकर मात्र इस डंडी का भाग जहां तुम बैठे हो उससे पीछे की ओर कर शिवलिंग पर चढ़ा दो, सारी गलतियां शिव क्षमा कर देता है। आप सभी को मालूम होगा बेलपत्र चढ़ाने का एक तरीका होता है, एक बेलपत्र चढ़ाते हैं तो ऐसे ही चढ़ा देते हैं, 2-4 बेलपत्र चढ़ाई ऐसे ही चढ़ा देते हैं, पर यदि 11 बेलपत्र, 21 बेलपत्र, 51 बेलपत्र, 108 बेलपत्र, 108 से भी ज्यादा यदि बेलपत्र हम अगर शंकर को समर्पित कर रहे हैं तो आखिरी बेलपत्र में हमें या तो चंदन या चावल या लाल चंदन कुछ भी अबीर गुलाल कुछ भी रखकर मध्य पत्ती पर रखकर भगवान को समर्पित करना पड़ता है अपनी कामना की पूर्ति के। बेलपत्र दोपहर के बाद ना तोड़िए, दूसरा पुष्प रात में ना तोड़िए, तीसरा चतुर्थी अष्टमी नवमी द्वादशी अमावस्या पूर्णिमा चतुर्दशी संक्रांति इस पर बेलपत्र ना तोड़िए। मंदिर की चढ़ी हुई कहीं रखी हुई, कहीं अगर निर्माल्य में भी कहीं ले जाकर पड़ी है वो भी समर्पित कर सकते हो। बेलपत्र दोपहर के बाद आप शंकर भगवान को अगर 108 बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, शिव को आप एक ही बेलपत्र पर चंदन की बेलपत्री की जो डंडी आप पीछे से तोड़ देते हो उसी डूट को चंदन में भिंगो कर 108 बार पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर उस चंदन की एक एक 108 बिंदी भी आप अगर बेलपत्री पर लगाकर अपनी कामना कर बाबा से दिल की बात कहकर आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर छुआ कर कटी वाले भाग को छुआ कर शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हो, दुख कितना भी बड़ा हो मेरा शंकर काट ही देता है, काट ही देता है। शंकर भगवान को अगर 108 बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, शिव को आप एक ही बेलपत्र पर चंदन की बेलपत्री की जो डंडी आप पीछे से तोड़ देते हो उसी डूट को चंदन में भिंगो कर 108 बार पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम बोलकर उस चंदन की एक एक 108 बिंदी भी आप अगर बेलपत्री पर लगाकर अपनी कामना कर बाबा से दिल की बात कहकर आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर छुआ कर कटी वाले भाग को छुआ कर शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हो, दुख कितना भी बड़ा हो मेरा शंकर काट ही देता है, काट ही देता है।